आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये गाय अर्थात गोमातेला अनन्य साधारण स्थान आहे जगातील सर्वात मोठा सण उत्सव म्हणजे दीपावली हा सणाचा पहिला दिवस म्हणजे वसुबारस अर्थात गाय आणि वासराची पूजा करण्याचा हा दिवस पूजा म्हणजे समर्पण म्हणजेच त्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करणं आजच्या या दिवशी या गोमातेचं महत्त्व आपल्याला सांगत आहेत प्राध्यापक डॉक्टर दत्तात्रयी एडले राजा रामचंद्र जी के पूर्वज महाराज दलीप की सेवा का उदाहरण बड़ा महत्वपूर्ण है गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि गौ में कामधीनों और मैं हूँ भगवान कृष्ण का गोपालन और गोभक्ति तो प्रसिद्ध है ही जिसके इससे उनका नाम ही गोपालक पड़ गया है कौटिल्य के में में गोरोलों का अनुवाद गाय को मारने मरवाने या हरण करने वालों के लिए मृत्युदंड का निर्देश दिया गया है महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों और प्रवचनों के माध्यम से लोगों और को और अपने शिष्यों को गो संवर्धन के लिए प्रेरित किया है उन्होंने गौरक्षण तो संवर्धन की बात कही है यथा माता पिता भाता वादीच नानता गौ न ना यायंती ओ सदा आनंदा बलदा चेता चन्नंदा सुखंदा तथा एक ना गुते भावार्थ है कि हमारे परिवार में जो सम्मान सत्कार माता पिता भाई और परिवार के ज्येष्ठ श्रेष्ठ परिजनों को होता है वैसा ही गायों को होना चाहिए गाय अन्न बल रूप सौंदर्य तथा सुख को देने वाली है बौद्ध धर्म में गाय के प्रति सम्मान का यह भाव आज भी देखा जा सकता है चीनी यात्री चौथी से पांचवी शताब्दी में भारत आया था वह लिखता है चंडालों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति किसी जीवित प्राणी का वध नहीं करता न मादक पेय पीता है न जीवित पशुओं को का व्यापार करता है वधशालाएं और मदिरा की दुकानें यहां नहीं थी भारत की संविधान में संवर्धन का मामला राष्ट्र राज्य के नीति निर्देश तत्व अनुच्छेद 48 में शामिल किया गया है गाय को मनुष्य अपना धन मानता था और प्राचीन काल से गाय विनिमय का माध्यम थी इसीलिए गाय को धन मानने की परंपरा भारत के देहात में आज तक चली आ रही है गाय का घी मूत्र गोबर दूध दही सभी बड़े उपयोग के होते हैं इसीलिए वेद ने हमें गाय के प्रति असीम श्रद्धा भाव रखने का उपदेश दिया है गाय और कृषि व्यवस्था खेती भारतीय किसान के लिए एक पूजा है जीवंत श्रेय है साधना है भारत में गाय मात्र दुधारू पशु नहीं है वह सारी कामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु है गाय का ग्रामीण अर्थशास्त्र इस प्रकार है गाय से घी दूध मक्खन मठा एवं खेती के लिए खाद परिवहन के लिए बैल गाड़ी एवं मरे हुए पशुओं से चमड़े तथा उनके पोषण के लिए घास भूसा खेतों से जो उपपदार्थ निर्माण होते हैं वह है गाय मनुष्य की श्रेष्ठ जीवन का पाठ सिखाती है वह हमें दूध जैसे उत्तम पदार्थ देती है जो माता के दूध के बाद सर्वश्रेष्ठ आहार माना जाता है आज के किसान गो आधारित कृषि स्वास्थ्य ऊर्जा के माध्यम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं अपनी सभी समस्याओं का समाधान अकेले गोपालन करने से हो सकता है गाय से उत्पन्न हर चीज एक औषधि है महर्षि दयानंद सरस्वती ने गो करुणानिधि नामक पुस्तक में गाय का महत्व लिखते हुए कहा है गाय हर दिन दो शेर दूध देती है तो वह एक माह में सवा आठ मन दूध देती है एक गाय छ माह या औसतन हर गाय बारह माह दूध देती है तो बारह माह का दूध निन्यानवे मन होता है एक बार बहने से एक हजार नौ सौ अस्सी व्यक्तियों को वह तृप्त करती है और गाय अपने पूरे जीवन काल में आट से तेरह बार, बार वह ब्याती है पूरे जीवन काल में वह पच्चीस हजार सात सौ चालीस व्यक्तियों को तृप्त करती है दूध अन्न दोनों से लगभग चार लाख दस हजार चार सौ चालीस मनुष्यों का पालन गाय करती है जबकि मांस मांस केवल मास से केवल से अस्सी होते हैं इस प्रकार महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं हरित क्रांति और वैज्ञानिक खेती के नाम पर आज रासायनिक खेती और यांत्रिकीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है प्रारंभ में आधुनिक खेती से उत्पादन बढ़ता है लेकिन धीरे धीरे उत्पादकता स्थिर होकर उर्वर भूमि हो जाती है अर्थात नापिक बनती है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार भारतीय नस्ल की गाय का अर्थशास्त्र जान जाने बिना उसको अपनी खेती और गृहस्थी से बाहर कर हमने दिया है जिसका आज हम परिणाम भुगत रहे हैं